भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब भी आप चीन पर सवाल पूछिएगा तो वो आपसे कहेंगे कि आप सेना का अपमान क्यों कर रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो ओछी राजनीति है, मैं उनसे अनुरोध भी करना चाहता हूँ और उनसे कहना भी चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा देश की सेना का, देश के सुरक्षा बलों का सम्मान जो है वो सर माथे पर रखती है। आज भी हमने प्रोटेस्ट किया तो हमारे हाथों में जो पंपलेट थे, जो प्ले कार्ड थे, उसमें लिखा हुआ था कि हम अपने सोल्जर्स का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार जवाब दे। सरकार जवाब क्यों नहीं देना चाहती, क्यों चीन पर बात करने से, चर्चा करने से भागना चाहती है? लाल आंख दिखाने का दावा करने वाले लोगों ने कितना झूला झुलाया है चीन को, वो पूरा देश देख रहा है। गलवान में जो हुआ, डोकलाम में जो हुआ, तवांग में जो हो रहा है, आपने अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो एक सीमा रेखा है जो भारत और चाइना के बीच में, उसको ऐसे कर दिया है कि कोई भी टहलता हुआ इधर आए और फिर वापस चला जाए। आपने उसे सीमा के बजाय पिकनिक स्पॉट बना दिया है। ये प्रधानमंत्री जी को सदन में आके जवाब देना चाहिए। भाजपा को चीन के मुद्दे पे भागना नहीं चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो आप सदन में चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? और जब चीन की बात होगी तो आप अमेठी की बात करेंगे। ये आप दोहरी राजनीति देखिए भारतीय जनता पार्टी की, जवाब नहीं देंगे। महंगाई पे बात करो तो कहेंगे हम प्याज नहीं खाते। चाइना पे बात करोगे तो कहेंगे कि आप अमेठी से चुनाव लड़िएगा या नहीं। मतलब आप ये दोहरा चरित्र देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। हम उनसे डिमांड कर रहे हैं, आज सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, सारे नेता आए और सब ने एक स्वर से कहा कि चाइना के मुद्दे पर बात करिए, चुप्पी तोड़िए। गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए, डोकलाम में अवैध कब्जे की खबर है, तवांग में झड़प हुई, इन सब चीजों पर बात करने से आप भाग क्यों रहे हैं, प्रश्न हमारा ये है। सर, ये एक बड़ी बात इस वक्त सामने आई है, वो ये कि चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को, कहा कि अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो सकता कोविड का तो पोस्टपोन कर दीजिए नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि कोविड के दोबारा फैलने की संभावना है। इससे पहले सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, सबको, यूनियन टेरिटरीज को चिट्ठी भी लिखी गई है कि जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जाए और सब चीज़ कराई जाए। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि आप हमारे साथ चलिए, एक दिन भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनिए, तो आप ये पाइएगा कि आप नारा देते थे फिट इंडिया, राहुल गांधी ने उस नारे को अपने अंदर उतार करके और पूरे देश में फिट इंडिया कैंपेन, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। सुबह 4 बजे उठ रहे हैं लोग, 5 बजे उठ रहे हैं लोग और 25 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं। आप कहते हैं इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए कोविड के दौरान। मेरा ख्याल है कि जो आदमी 2,500 किलोमीटर सफर कर चुका हो, यात्रा कर चुका हो, पैदल यात्रा कर चुका हो, उसकी इम्यूनिटी और उनके साथ चलने वालों की इम्यूनिटी कितनी बूस्ट हुई होगी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी यात्रा को एन केन प्रकार रोकना चाहती है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दूरगामी परिणाम है। राहुल गांधी जी ने इस बार लंबा टास्क लिया, उन्हें पता है कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी, तो उन्होंने नफरत कम करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मुझे हैरत है कि जब भारत जुड़ने की बात आती है तो भाजपा फिर कभी दाढ़ी पे, कभी बाल पे, कभी टी शर्ट पे और फिर आखिर में हथकंडा अपनाती है कोविड पे। आप कोविड का बहाना लेकर के आंदोलन समाप्त कर दीजिए, लोगों का चलना सड़क पे दूभर कर दीजिए, लोगों का मास्क के नाम पे जितना उत्पीड़न कर सकिए करिए, क्या नहीं किया इस सरकार ने? और बाद में जब वैक्सीन पे सवाल हो तो फिर बचने लगिए। आखिरी सवाल आपसे, सर, अयोध्या के एक संत ने साफ तौर पर कह दिया खान की पठान फिल्म कंट्रोवर्सी को लेकर, इस तरीके की बातें देश में हो रही हैं। मुझे लगता है देश के गृह मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे कोई कानून को सीधे सीधे चुनौती दे सकता है। इस देश में किसी भी व्यक्ति की, और एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में जा करके भारत का नाम रोशन कर रहा है, फीफा में पहुंच करके शाहरुख खान और दीपिका ने पहले भारतीय बन करके जिस तरह से ट्रॉफी का इनॉग्रेशन किया और वहां मेहमान की तरह बुलाए गए, इससे भारत का सीना चौड़ा होता है, भारत का सम्मान बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर कोई इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो मुझे लगता है गृह मंत्रालय को और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।